राज्य के जो वर्तमान परिस्थिति है, शिवसेना बीजेपी नहीं कह रही हमने गठबंधन तोड़ा, शिवसेना कह रही हमने नहीं गठबंधन तोड़ा, क्या सर हम आपसे जाने आज गठबंधन टूट गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से जाकर कहा है, राज्यपाल महोदय से, कि हम सरकार नहीं बना सकते, हमें मैंडेट नहीं, और शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए हम बहुमत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये उनका अहंकार है महाराष्ट्र की जनता के प्रति, उनका एक तरह से अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, अढ़ाई अढ़ाई साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार नहीं। आप उससे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था, पहले भी और आज भी। अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट किया था, जो बात तय हुई थी, उसके ऊपर अमल करता, तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो निर्माण नहीं होती। लेकिन किसी भी हालत शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, 50-50 वाला फॉर्मूला के ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे हमको विपक्ष में बैठना पड़े। इस अहंकार को महाराष्ट्र की जनता का मैं अपमान मानता हूं।